खबर फतेहपुर से है, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम भूमिका निभा रहा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल चित्रांश नगर, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज विद्यालय द्वारा कराई जा रही हैं। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल IIT JEE नीट NDA CA CS UPSC प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारियों के लिए अनुभवी अध्यापकों द्वारा बच्चों को तैयारियां कराई जा रही हैं। जनपद में अभी तक इस तरह की कोई कोचिंग संस्थान या विद्यालय नहीं था, जिसके कारण बच्चों को इन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए फतेहपुर से बाहर जाना पड़ता था। और अब इन बच्चों प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारियों की जैसी सुविधा अब फतेहपुर शहर में मिल जाने से बच्चों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के नव नियुक्त प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार पांडे, CBSE के विद्यालय आदित्य बिरला GD श्रीराम स्कूल व प्रिंस स्कूल जयपुर में बतौर प्रधानाचार्य के रूप में अपने अनुभव साझा कर चुके हैं। गुणवत्ता युक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए फतेहपुर व आसपास के बच्चों को अब कोटा, राजस्थान व जयपुर जाने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि विद्यार्थियों को चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के कैंप में ही IIT JEE नीट NDA UPSC CA CS परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। विद्यालय प्रबंधन ने इन प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए देश के प्रतिष्ठित आकाश एलन बंसल जैसी संस्थाओं के अनुभवी शिक्षकों का चयन किया है। हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे लड़कियों को बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते अपने बच्चों को बाहर, तो हम जैसे बच्चों के लिए जो बाहर नहीं जाना चाहते, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रह के अपनी ही डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है। और स्कूल टाइमिंग पे अगर ये वर्क हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है। हमें अपना जो स्टडी टाइम है उसे हम अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, स्कूल टाइम पर भी अच्छा चलेगा, और फिर उसके बाद जब हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत सारा टाइम बचेगा। जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, ताकि जो कोचिंग में वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो स्कूल में वो टाइम अपना देते हैं, उसी टाइम में वो अपने IIT JEE की भी तैयारी कर पाएंगे। और जैसे जो बाहर की इंस्टीट्यूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, और मतलब सभी बच्चों पे फोकस भी नहीं हो पाता, लेकिन इसमें हर बच्चे पे फोकस भी होगा और वो अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा एफर्ट है स्कूल का। वैसे तो मैं इसी लाइन में जाना चाहती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे IIT JEE परस्यू करना है, उसके बाद फिर UPSC की तैयारी करनी है, तो मेरे लिए स्कूल टाइम में ही इतना सारा सब अपॉर्चुनिटी है कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। फिर इतनी अच्छी फैकल्टी, इतने अच्छे टीचर्स हमारे लिए अवेलेबल हमारे स्कूल ने किए, जिसकी वजह से बहुत इजी वे में हमारे लिए ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल एज कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम ये परस्यू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एज डिस्टेंट होम में ही रहते फिर सारी चीज़ें करना वो बहुत इजी हो जाता है, फिर पेरेंट्स से भी दूर नहीं जाना पड़ता। फिर हमारे गर्ल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बाहर जाना, कि फैमिली जल्दी जाने नहीं देती है, तो होम डिस्ट्रिक्ट में रहते बहुत इजी वे में हम सब सारी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू हमारे टीचर्स, हमारी मैनेजमेंट के लिए कि वो हमारे लिए हमारे स्कूल में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं। मीनाक्षी वर्मा। इसके साथ साथ हम बोर्ड्स और कॉम्पिटिशन दोनों मैनेज कर सकते हैं। पब्लिक स्कूल फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 25 वर्षों से CBSE जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें एक्सीलेंट रिजल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फतेहपुर से बाहर जाना पड़ता है, बच्चों को कोटा, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ आदि स्थानों पर जाना पड़ता है, और जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, और सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से भी बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अभी हमने ये सोचा है कि क्यों न बाहर से फैकल्टी ला करके और फतेहपुर और आसपास के जो क्षेत्र हैं उन बच्चों को यहीं पे सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। तो इस संदर्भ में जो स्कूल प्रबंधन है उन्होंने आकाश एलन बंसल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रतिष्ठित देश के जो संस्थान हैं, वहाँ से फैकल्टी हायर करके और इन बच्चों को यहीं पर उच्च शिक्षा की जो तैयारी है वो कैंपस के अंदर ही कराने का प्रयास किया है। इसके लिए कई प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जैसे कि IIT JEE हो गया, नीट हो गया, NDA हो गया, CA CS और भी कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जिनकी तैयारी हम कैंपस के अंदर ही करवाएंगे। और हमारा जो मेन ध्येय है वो ये है कि बच्चे यहीं पे रह के बाहर नहीं जाके गुणवत्ता युक्त जो तैयारी है वो यहाँ पर करें और अपनी जो सफलताएँ हैं वो अर्जित करें। बहुत से बच्चे हैं जो सुविधाएं नहीं मिलने के कारण और उच्च शिक्षा की ओर अग्रसित नहीं हो पाते हैं,
उन सभी बच्चों को हम बहुत ही कम शुल्क में, और हमने कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रखे हैं जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, जो ये शिक्षाएँ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप के जरिए ये सुविधाएँ हम मुहैया करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे बहुत ही कम शुल्क के अंदर इन सुविधाओं को प्राप्त करें और अपने गोल को प्राप्त। मैंने फतेहपुर का सर्वे किया तो पता चला यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए ध्यान नहीं रखता है, कोई भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। और जबकि ये भी देखा गया है कि बच्चों के अंदर बहुत स्कोप है, हज़ारों लाखों बच्चे फतेहपुर से जाते हैं कोचिंग करने बाहर। तो ऐसे हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम यही कॉम्पिटिशन्स, यही चीज़ अपने स्कूल या अपने शहर में ना कराएं। तो हमने ये प्रयास किया और हमने बाहर की फैकल्टीज़ को हायर किया, कोशिश किया कि वो लोग आएँ और हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाएँ। हमने ये अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्कूल में स्टार्ट कर लिया है, जिससे कि हमारे सारे जो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उन सब ने ऑप्ट कर लिया है। हमारा एक ये बहुत बड़ा प्रयास है कि जो बच्चे पैसे के वजह से बाहर नहीं जा पाते, अच्छी कोचिंग्स नहीं कर पाते, उन्हें चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल जो है वो स्कॉलरशिप के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाएगा, उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। और जो गांव के ऐसे बच्चे हैं जो फतेहपुर शहर में नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, उनके लिए हमने हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल करा रखी है, जिससे कि वो बच्चे हॉस्टल में रह के अपना कॉम्पिटिशन्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाए। कोई भी बच्चा पैसे की वजह से कॉम्पिटिशन्स ट्रैक ना कर पाए, ऐसा हमारा प्रयास है कि वो ऐसा ना हो। एज ए गार्जियन मैं बताना चाहूँगा कि फतेहपुर ज़िले में इस व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा अभाव था। हमारे बच्चों को दूर दूर इसके लिए भटकना पड़ता था, जिसके लिए बहुत ही खर्चीला होता था यह सब और बहुत ही ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ होता था। ये जो सराहनीय प्रयास हुआ है विद्यालय मैनेजमेंट के द्वारा, मैं इसके लिए विद्यालय मैनेजमेंट की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा और उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अब इस व्यवस्था के कारण हमारे बच्चों का जो सपना है वो सपना नहीं रहेगा, अभी तो हकीकत में तब्दील हो सकेगा और उनके सपनों को सही मामले में एक उड़ान मिल सकेगी। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं ये सभी अपने साथ के जो मेरे अभिभावक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक अच्छी सुविधा जो विद्यालय मैनेजमेंट ने उपलब्ध कराई है, इसका भरपूर उपयोग करें, जिसमें कि जैसे कि विद्यालय मैनेजमेंट ने ये बात बताई भी है कि इसमें अगर कोई बहुत ही अच्छे बच्चे हैं लेकिन गरीब हैं और अपने आर्थिक अभाव के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उन बच्चों के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध की जाएगी, जिससे कि ये सारे बच्चों के लिए आगे बढ़ने का और अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता खुल गया है। लालजी श्रीवास्तव, फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।